दोस्तों धुरिया गांव थी कोई फोन आयो छे मित्रों, तो धुरिया गांव में हमें राहुल कुमार कैमरामैन अने स्नेक सेवर केम बुता बंदे मित्रों साथे मळी साफती रिस्क्यू माटे जई रह्या छे। मित्रों के ज्यां सुधी गांव न आवे त्यां सुधी वीडियो में अंत तक बनी रहो। दोस्तों जय जय हिंद। सर्वे दर्शक मित्रों ने यूट्यूब स्नेक सेवर केम गुप्ता चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों बरोली गांव से दूर लगभग घोरल से नजीक 10-15 किलोमीटर ना दूर गांव से धुरिया गांव त्या कोक मित्रों ने साप आयो। तो मित्रों तो सर्च कर्या पछी जोया पछी ख्याल आवशे कि मित्रों साप कया प्रकारनो छे, जहेलो साप छे अथवा बिन जहेलो। तो मित्रों साप न पकड़ाय त्या सुधी वीडियो में छेक सुधी अंत सुधी दर्शक मित्रों ने नमस्कार। मित्रों सवारना समय ना समय से तो मित्रों गुड मॉर्निंग। आज आपने अंग्रेजी में इंडियन स्पेक्टेकल स्कूबरा कहवा आवे छे, हिंदी में अने गुजराती में भारतीय नाद, कोई बीजा बीजा जुदा जुदा राज्य ना अंदर जुदा जुदा नामों से ओळखवा आवे छे। उत्तर प्रदेश में गेहुवन, कोई बिहार में बिहार ना अंदर पण जुदा जुदा सापो थी ओळखवामां आवे छे। मित्रों तो आ सापना अंदर न्यूरोटॉक्सिक जीवलेण घातक रहेवामां आवेलो होय छे, जे साहेब बाइट आपे तात्कालिक एक कलाकना अंदर सरकारी हॉस्पिटलों न पहुँचो तो मित्रों जीवन जोखम वधी रहे छे। तो मित्रों कोईपण साप आवे त्यारे जरा पण कोईपण चक्कर में एटले के झाड़फूक तंत्र मंत्र ओजार गुणीना चक्कर में फसाओ नहीं तो मित्र पोते जानती हाथ धोवा पड़े छे। तो मित्रों थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। दोस्तों धोरिया गामे नरेश भाई कमजी बेना घरे नाग साप आवेलो हतो। मित्रों हवे एने पकड़ी सलामत जग्याए एटले के सुरक्षित जग्याए हवे एने छोड़ी देशु, आजाद करीशु। मित्र नरेश कुमार छेक बडोली गाम थी अमे आ साप पकड़वा माटे आव्या छे। मित्रों अने जे जीव जंतुओं ने
બચાવી અમે એક દયાનું કામ કરીએ છીએ જીવજંતુ પ્રેમી છીએ તો મિત્રો આ કામ કરી રહ્યા છીએ તો આપણે કેવું લાગે છે આ કામ સારું લાગે સારું લાગે છે તો તમારા સાહેબ કેટલા સમય અંદર આવ્યો હતો ખબર નહીં રાતે બે વાગે આવ્યો હતો તે બરાબર બસ આ તો ખોબડો પડ્યો કે એટલે જોઈ તાણ ખબર પડે તો મિત્રો આ ભાઈનું કે એવું છે કે રાતના સમયે કોઈ પોતાના ખોરાકની શોધમાં એટલે કે કોઈ ઉંદરના પાછળ પોતાના ખોરાકની ફિરાકમાં ઘરના અંદર પ્રવેશ કરી દીધો હશે મિત્રો સાપ કોઈ દિવસે કોઈને બાઇટ કરવા કરડવા માટે આવતો નથી મિત્રો માત્ર માત્ર એ પોતાના ખોરાકની શોધમાં આવે છે તો મિત્રો થેન્ક યુ જય હિન્દ વંદે માતરમ સ્વસ્થ રહો મસ્ત રહો ખુશ રહો દોસ્તો આ સાપને પકડી ફોરેસ્ટ એરિયા કે જ્યાં એને અનુકૂળિત વાતાવરણ પ્રકૃતિ પ્રવેશમાં એને છોડી દીધું છે આઝાદ કરી દીધું છે મિત્રો તો નેક્સ્ટ યર કેએમ ગુપ્તા યુટ્યુબ ચેનલને લાઈક કરો સબસ્ક્રાઈબ કરો અને મિત્રો શેર કરો થેન્ક યુ જય હિન્દ વંદે માતરમ